हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अप्पा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने कल ही रेंडर फॉरेस्ट में एक अनपेड वर्जन में एक इंट्रो बनाया हुआ है, आप ज़रा उसको चेक कर लेना उसका इफेक्ट कैसा आता है करके। इस तरह से दोस्तों, ये रेंडर फॉरेस्ट काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन से आपका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं आपके चैनल का। आप वो डाउनलोड करके उसके और भी अलग अलग जो उनके पास कंसेप्ट है वो चेक कर लेना। ये दूसरा इंट्रो देखो, चेक कर लो। देखा दोस्तों आपने, ये रेंडर फॉरेस्ट का काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप अच्छे अच्छे आपके यूट्यूब्स के लिए आपके इंट्रोडक्शंस बना सकते हो। चलो ठीक है, हम हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं कि विंडोज़ का जो मूवी मेकर है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप इसे डाउनलोड कर दो। ये रजिस्टर करने के लिए कहता है बाय नाउ विल बाय लेटर, तो इस हिसाब से इस टाइप से उसका विंडो ओपन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले फ़ोटो ऐड कर लेते हैं अपने, जो भी आपको जिस ढंग से आपको आपका वीडियो बनाना है वो टॉपिक्स के जो फ़ोटोज़ है आपने बनाए रहेंगे या आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने नेट से डाउनलोड किए हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ पे ले लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे। इसको एक एक करके हम लोग के डेस्कटॉप पे लेते हैं, बाद में इसको हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग यूज़ करके हम लोग एक स्टोरी लाइनअप कैसे बनाते हैं। इसको हम लोग एक स्टोरी लाइन में लेते हैं बाद में, और यही पिक्चर्स यूज़ करके हम लोग अपनी एक स्टोरी बनाएंगे, जिससे कि अपने को हमें ये भी समझ में आएगा कि ये किस ढंग से इस मूवी मेकर को यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ अपने को ये भी पता चलेगा कि हमें इसको अपने वीडियोस बनाने के लिए किस ढंग से इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इमेजेस है, मैं भी आपके सामने सारे इमेजेस एक एक करके डाउनलोड कर रहा हूँ उसको। इसके बाद सारे डाउनलोड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इस पे ही वीडियो इनकी हेल्प से कैसे बनाएंगे इसको। ये पिक्चर्स हम लोग जो डाउनलोड कर रहे हैं इसे इस मूवी मेकर में कुछ ऑप्शंस भी है, मैं बता दूंगा आपको। ये लाइन जो है, इसकी जो सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इस सीक्वेंस को। तो मैं आपको यहाँ पे सारे जितने भी है मेरे पास वो डाउनलोड्स करता हूँ पहले, और उसके बाद हम लोग एक
फिल्म बनाते हैं, इस पर एक वीडियो बनाएंगे, जो अब बाद में हम लोग इसी वीडियो को हम ऑनलाइन पब्लिश भी करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया है वेबकैम वीडियो, आप वेबकैम से भी वीडियो ले सकते हैं, रिकॉर्ड नरेशन जो इसे मैं अभी कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, स्नैपशॉट्स भी ले सकते हैं, म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ पे वीडियोस हम लोग को अपलोड करना है फ्रॉम अवर डेस्कटॉप, टाइटल दे सकते हैं, कैप्शन है, क्रेडिट्स है। क्रेडिट्स यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वीडियो बनाने के लिए हमें जिन्होंने हेल्प की है, कोई डायरेक्टर है, कोई स्टारिंग है, कोई लोकेशन है, साउंड ट्रैक है, तो साउंड हम लोग किसी का यूज़ करते हैं, तो उनको क्रेडिट देने के लिए उनका नाम हमको लिखना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, देखो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर वन, तो यहाँ इसको हम लोग यहाँ से प्ले करते हैं, यू विल सी इट। देखो ये वीडियो कैसे जा रहा है आगे, तो एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड हम लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको हम लोग वीडियो के इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो हम लोग को जो चाहिए, फर्स्ट चाहिए कोई स्लाइड, जो फोर स्लाइड है समझो, ये स्लाइड है हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दो बार आई है, हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे बाद में। तो इस ढंग से ये वीडियो आगे के चलता रहेगा। तो ये एक ऑप्शन हो गया। ये सेकेंड ऑप्शन मैं बताऊँगा आपको, डू यू वॉन्ट टू ऐड सम म्यूज़िक, म्यूज़िक हैज़न्ट बीन एडेड येट, तो हम लोग अभी नहीं करेंगे उसको, बाद में मैं दिखाता हूँ आपको। ये सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप में हम लोग इसको कैसे करते हैं, देखो ये इस माई मूवी करके इसको बॉटम में आएगा, फिर ये आपको सेकंड स्लाइड, फिर थर्ड स्लाइड, ये थर्ड इनका जो फॉर्मेट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड फॉर्मेट, वी डोंट वांट म्यूजिक राइट नाउ, थर्ड फॉर्मेट भी देखते हैं हम लोग। लेट अस स्टार्ट, यस लेट अस स्टार्ट थर्ड फॉर्मेट। ये देखो इस ढंग से ये थर्ड ऑप्शन आता है इनका, इट्स लिटिल बिट स्लो कंप्यूटर, तो शायद उसके लिए वो थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो रहा है, नॉट एन इशू। फर्स्ट स्लाइड हो गई, फिर वो ओवरलैपिंग करके सेकेंड स्लाइड होती है। इसमें क्या है कि फ्रेंड्स, इसमें जो टाइटल है ये हम लोग टाइटल डाल सकते हैं, हमको जो टाइटल चाहिए, जैसा डाल दिया वेलकम टू माय फिल्म, ठीक है ना। तो लेट अस सी, विल स्टार्ट, हम लोग इसको फोर्थ ऑप्शन लेके चालू करते हैं इसको। लेट अस सी, ये ऑप्शन लेते हैं फोर्थ वाला, वी डोंट वांट म्यूजिक राइट नाउ एंड लेट अस स्टार्ट। तो ये कैसे दिखता है, माय मूवी, सी माय मूवीज का आ गया, देन ये बंगलो का आपने पिक्चर दे दिया है, और उसके बाद हम लोग का ये वेलकम टू माय फिल्म करके जो हम लोग ने अभी लिखा था वो आ गया, फिर इसके पास वो व्हीकल का आ गया, फिर उसके बाद वो कैसीनो का है, तो उसके बाद ये कैसीनो को होने के बाद फिर से एक ब्लैंक है। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये सब सारे स्लाइड्स है, ये सारे स्लाइड्स के बाद यहाँ पे जो सब्सक्राइब पे हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, यहाँ पे डाउनलाइन पे फर्स्ट लेके इसको डाउनलाइन पे डायरेक्ट जाते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम एक सेकेंड टाइम लाइन बड़ा हो गया, ठीक है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो वो एक सेकेंड इसको एक्चुअली थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए वो, बट एनीवे नॉट एन इश्यू, लेटेस्ट वॉच इट, थोड़ा टाइम जाएगा 2 मिनट का। बट ये ऐसा है कि ये पूरा फिल्म जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप एक स्टोरी लाइन में कर सकते हैं कि वेलकम टू माय फिल्म, बाद में आपके कुछ सपने होंगे, वो सपने आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आपने क्या क्या उसमें कोशिश की है, वो कोशिशें आपकी कितनी कामयाबी हो गई है या नहीं हुई है, फिर आपने क्या डिसाइड किया है। तो ये सारे स्लाइड्स बना के, स्लाइड्स ज्वाइन करके एक आपका अच्छा सा एक मूवी बन जाता है। अभी ये काफ़ी अच्छा है, मूवी मेकर जो हम वीडियोस बनाते हैं
तो जब भी वीडियोस बनाते हैं तो ऐसे स्लाइड्स लेके और आपका वॉइस डब करके एक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो हो जाता है जिसमें अपनी वॉइस भी रिकॉर्डेड हो जाती है। और म्यूज़िक है तो म्यूज़िक भी आपको ऐड करना है तो आप म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यही यही सारे पिक्चर्स लेके मैंने किस ढंग से एक अलग सा मेरा सेम पिक्चर्स ये डाउनलोड करके मैंने वीडियो बनाया है, बनाया इन द सेंस बना रहा हूँ। तो बनने के बाद इसी स्लाइड शो के आगे मैं उसको ज्वाइन करूँगा, तो आप देख लेना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन जाएगी। और आप इसके साथ में ये मूवी मेकर भी सीख रहे हो, मूवी मेकर कैसे वीडियो बनाना है वो भी आप अच्छी तरह सीख जाओगे। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर ये फ्रेंड्स, ये इसको आप देख लेना और जब भी हो सके तो इसे इस्तेमाल कर लेना। इसमें देख लेना एंडिंग में है, ये बाद में आ जाएगा कि यहाँ पे डायरेक्टेड बाय एंडिंग का ऑप्शंस दिया हुआ है, तो इसमें इसमें किसने डायरेक्ट किया है, स्टारिंग कौन कर रहा था, स्टारिंग जैसे फिल्म्स में आते हैं, हम लोग जैसे फिल्म्स देखते हैं थिएटर में, तो उसी टाइप के फिल्म्स के इसमें ये आ जाते हैं, फिल्म लोकेटेड ऑन विच प्लेस दैन साउंड इफेक्ट्स किसने किया हुआ है, वो सारा जैसे फिल्म बनाते हैं उसी हिसाब से आता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ फ्रेंड्स एंड डेस्कटॉप पे, और सेव करने के बाद एनीवे नॉट एन इशू, सेव कर देता हूँ इसको, या इसको साइन इन करना पड़ेगा फैन, एनीवे नॉट एन इशू, मैं इसको फिर से बना लूँगा फॉर दिस प्रोजेक्ट, रिकमेंडेड फॉर दिस प्रोजेक्ट लेटर, वो बाय करने के लिए कह रहा है, कोई इशू नहीं है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये एक अच्छा सा ट्यूटोरियल हो गया आपको, बाद में इसको मैं एक स्टोरी लाइन में डाल के फिर से इसको एक वीडियो बनाऊँ बना के आपको वापस दिखाऊंगा। तो अभी अभी के लिए इतना ही दोस्तों, चलो मेरा चैनल आपको अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।